बड़ी भाई क्या बोलना चाहेंगे आज अजंता केव्स घूमने के लिए? अजंता का हमारा घूमने के लिए आओ और भैया जरा पैरों को मजबूती से लेके आओ, पाँव में गोले आते और कुछ भी नहीं होता बस। तो थक आज अजंता से घूमने के लिए आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आया। फैमिली के साथ आया? फैमिली आए, बाहर से मेहमान आए थे हमारे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मालेगांव के एक है और मुंबई के एक है, रुजान भाई क्या बोलना चाहेंगे आज जो इतनी टूरिस्ट आई अजंता के उसमें? छुट्टी का दिन, कल संडे भी है, कल भी छुट्टी है और सरकार ने टिकट भी फ्री कर दिया है, उस वजह से काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और लोग काफ़ी अजंता के उसका मजा ले रहे हैं। तो यहाँ तक औरंगाबाद के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ सब टिकट फ्री है, लेकिन ये अजंता के उसकी बात ही अलग है। इतनी पुरानी चीज़, इतना अच्छा तराशा हुआ, इसकी बात कहीं भी नहीं आती। तो आप क्या बोले भाई, मालेगांव से आए भाई, क्या बोले? बहुत अच्छा लगा भाई आकर यहाँ पे, देखें फर्स्ट टाइम आया मतलब। फर्स्ट टाइम आए, काफी अच्छा लगा, गर्मी भी है, मौसम अच्छा है। बड़ी भाई क्या बोलना चाहेंगे आज अजंता केव्स घूमने के लिए? अजंता का हमारा घूमने के लिए आओ और भैया जरा पैरों को मजबूती से लेके आओ, पाँव में गोले आते और कुछ भी नहीं होता बस। तो थक गया है बहुत अभी छे। आई मालेगांव से, क्या नाम है आपका? सरोज। क्या बोलना चाहेंगे अजंता केव्स के बारे में आप? कैसा लगा? एकदम मस्त, मौसम के हिसाब से एकदम बेहतरीन पिकनिक की जगह। अच्छा कितने बार आए आप? ये तो फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? वो भी टिकट फ्री है तो देख ले रहे हैं। टिकट फ्री था वो तो मालूम नहीं था, लेकिन टिकट फ्री निकल गई किस्मत से। तो किस्मत से टिकट फ्री लगी, निकल गए। देखिए 6 नंबर गुफा, देखिए अभी 7 नंबर है जो सामने नजर आ रही है, और ये पहाड़ देखिए जो एक काले पत्थर को चीरते हुए जो गुफा बनाई हुई है। तो नंबर 7 है, ये शेर आया मुहर्रम का, छोटा शेर। चल चल चल, चल ही। क्या नाम है बेटा? रुमान। जो 7 नंबर गुफा आपको हमने बताया, जाने के लिए रास्ता है। ये पानी के लिए तो अजंता गुफा में बहुत फैसिलिटी है। 8 नंबर गुफा है जो अभी बंद है। नौ नंबर गुफा है। आठ नंबर गुफा है इस तरफ। नौ नंबर गुफा है। आज अजंता से घूमने के लिए आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आया। फैमिली के साथ आया? फैमिली आए, बाहर से मेहमान आए थे हमारे, क्यों लेके आए थे। ये
तो चार्जिंग कम हो गई। ये 10 नंबर गुफा है, ये 10 नंबर गुफा है, अच्छी जगह खाना। हाँ, आपको यू पॉइंट नज़र आ रहा है, जॉन स्मिथ यहाँ से जो गुफा को तलाश किया था, शेर की शिकार के लिए आया था, ये 10 नंबर जो गुफा है, तो 10 नंबर गुफा तलाश किया था जॉन स्मिथ, जो शेर की शिकार के लिए आया था यहाँ से। देखिए इस तरफ ज़ूमिंग करके बता रहे हैं आपको हम, तो एक दो चार दिन के बाद आके झाड़ी में पुलिस स्पीड में जाओ। तो ये 700 सीढ़ियाँ आए वहाँ से लेके स्टार से लेके यहाँ तक, ये नंबर है, तो ये डोली हमने बात किए थे, बारह नंबर है, छोटे छोटे आपको जो गुफा नजर आ रही है, छोटी छोटी गुफा है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अजंता शहर के पहाड़ों का, अजंता शहर की गुफाओं का। तो 8 नंबर में पानी रहता है, आप जाके वहाँ, आपके पास बॉटल है तो बॉटल से पी सकते हैं, वहाँ आपके लिए सेफ्टी है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, एलिफेंट समझ में ऐसा उतरा अभी इधर से पास से नहीं। गुफा 16 नंबर, सेवन वाटरफॉल जाने के लिए रास्ता था गार्डन के अंदर, अभी बन है वो, चाट का वो 17 नंबर गुफा है,
पास। यहाँ पहाड़ का जो पानी आता है यहाँ से आता है पहाड़ का पानी इस तरफ से। ये जितना भी पहाड़ का पानी आता है बारिश का देखिए किस तरीके से ये पानी का रास्ता है पानी आने के लिए। हाँ लेता हुआ बुद्धा वहाँ है। अच्छा जितने भी वीडियो बनाए हमने एक एक करके आपको अजंता न्यूज़ पे अपलोड करी हैं। बहुत से वीडियो हमने अपलोड करे हुए तो बारिश के मौसम में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है वाटरफॉल का यहाँ से जो पानी आता बारिश का। बीच नंबर है 20। यहाँ का बारिश का वाटरफॉल का बहुत ही बेहतरीन जो नज़ारा रहता बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल। तो जितने भी वीडियो हमने बनाए हुए वो एक एक करके अजंता न्यूज़ पे अपलोड करेंगे। वो अजंता न्यूज़ पे आपने देखना चाहिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बेहतरीन नज़ारा अजंता केव्स का। व्यू पॉइंट है और वहाँ छतरी है। यहाँ पानी से आराम से चलना चाहिए। हर किसी से मेरी रिक्वेस्ट है जहाँ पानी है वहाँ अपने करीब नहीं जाना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए जहाँ पानी की जगह है। इसके बाद के पार्ट में पांचवे पार्ट में बहुत खास गुफा बताने वाले लास्ट की 26 बताने वाले तो वो भी देखना चाहिए आपने। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अजंता न्यूज़ को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट में कैसा लगा ये बिल्कुल पता नहीं चाहिए।